हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है अलार्म रिंगटोन सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये अलार्म रिंगटोन सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अलार्म रिंगटोन, अलार्म रिंगटोन पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अगले पेज में ये अलार्म रिंगटोन का पेज ओपन हो जाएगा ना, यहाँ पर ये देखिए आपको दो कैटेगरी में आपको अलार्म की रिंगटोन दे रखी है। पहला तो ये आपको कस्टम रिंगटोन, ठीक है, कस्टम रिंगटोन पे सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर भी आपको रिंगटोन दे रखी है, इनमें से भी आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाहर की साइड में आपको ये सिस्टम रिंगटोन लिखा हुआ है ना, इसके नीचे आपको काफी सारी रिंगटोन दे रखी है अलार्म रिंगटोन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में फर्क क्या होता है, कस्टम रिंगटोन और या सिस्टम रिंगटोन में फर्क क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कस्टम रिंगटोन के अंदर जो आपकी रिंगटोन दे रखी है ना ये, ठीक है, तो इनका साउंड जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, ज्यादा लंबा साउंड नहीं होता इनका, देखिए बस इतना ही। ठीक है, और जो ये बाहर की साइड में जो सिस्टम रिंगटोन होती है, इनका साउंड जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा लंबा साउंड होता है इनका, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे रोक दिया बीच में, क्योंकि ये मतलब साउंड क्रिएट होता ही चला जाता है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों ही चीज़ें समझा दी है, दोनों किस तरीके से काम करती है। आप इन दोनों में से कोई भी एक रिंगटोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा पहले से जो है ना किसी दूसरे ऑप्शन पर आपका सिलेक्टेड होगा, आप कोई भी दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो आपकी अलार्म रिंगटोन चेंज हो जाएगी। और जब भी आपका अलार्म ऑन होगा ना, जब आपने सेट किया होगा अलार्म, जब वो ऑन होगा अलार्म, तो आपका वो साउंड क्रिएट करेगा जो आपने सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, आपका मोबाइल फोन, तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है अलार्म रिंगटोन सेटिंग चेंज होने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सेटिंग का नेम। यहाँ पर हम टाइप करते हैं अलार्म रिंगटोन। ठीक है, इस तरीके से तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का।